ज्ञानटा आमर विशृंखलित इंद्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि इत्यादि को जी स्थिर कै संयत कै से प्रकृत ज्ञान ज्ञानम प्रसन्न करम जदि ज्ञान आम यदि ज्ञान अर्जन कलु से ज्ञानटा आमको इंद्रिय मान को संयत कर पारा ना से गीतार बारंबार ये उपनिषद भावना को लेकिन लिखाई जदा संग्रते चायम कुर्मंगा दीव सर्वस इंद्रियाणिंद्रियार्थिभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता एवं प्रजहाद जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येव तुला पुष्ट जस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतुल्यश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते बारंबार भीतरे मन के स्थिर कर मनुष्य आगे स्थिर चित्त बस ज्ञान ज्ञान द्वारा जानवा जो वस्तु से गेय ध्यान द्वारा ध्यान विषय ध्येय ज्ञान विषय गेय वेदन विषय हाँ वेदन विषय वेद्य सेमती गेय किए ना वेदर अंतरे वेदात उपनिषद जहाँ प्रतिपादित ब्रह्मात्मतत्व तज्ञेयम् जदुपनिषत्सु निश्चितार्थम् कन्फर्मेशन अफ वेद वेदर जहाँ निश्चित होती कन्फर्म होती यह जान यह जानने ही परम शांति मिल यह जानने ही दिव्य चेतना जाग्रत हो जहाँ कि आसब या परे परे जमन चिकित कह उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराम निबोधत मोहन द्वार उठ जाग्रत हुआ एवं विशिष्ट आचार्य मान प्राप्त हो कृतज्ञ हो कृतार्थ हो तज्ञेयम् जदुपनिषत्सु निश्चितार्थ जहाँ उपनिषद निश्चित कन्फर्म होता ब्रह्मतत्वटा जो आलोचना करेंगे जदुपनिषत्सु निश्चितार्थ पुणी प्रश्न कले जे ए संसार धन्य किए धन्याष्टक आम कहे जार पुठा बाड़ी बहुत से धन्य जार पु झी बहुत धन्य जी प्रफेसर वाइस चांसलर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है से धन्य जार बहुत टंका पैसा है से धन्य ये सब गुड़ा धन्य पदवाच्य रही ते धन्या भूमि ये संसार से धन्य परमार्थ निश्चित हा परमार्थ वस्तु को जे निश्चय करने जानापी तार अभिलाषी है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेन अपार शक्ति सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणी जस्य चेत जार चित्त मन बुद्धि परमार्थ वस्तु निमग्न है परमार्थ वस्तु को जानापी से अन्नवरत निरवच्छिन्न अभिलाषी है से संसार धन्य धन्यास्त एवं बाकी जे रहिले से सास्तु भ्रम नीलये परिभ्रमती बाकी जो मैंने परमार्थ वस्तु प्रति अभिलाष ही नहांती खाली खाई पिकी जीवन कटेजी क्या कोई न करते चंचुआ सोदर पूरण भाया से मैंने खाली भ्रम यूजलेस देर लाइफ इज यूजलेस कहे तेणु आम मैंने जीवन रे परमार्थ वस्तु को जाणीमा प्रधान कर्तव्य आम तापी विभिन्न प्रकार साधन अच्छे आम पाठ पढ़ु लक्ष्य परमार्थ शांति परम ज्ञान परम आनंद आम लक्ष्य तापी माध्यम जमी आम देहटी पाइ देह को सुस्थ रखापी आम भल सक गाधेलु बाधेलु पैंटे पिंधिलु सार्ट टे पिंधिलु साउल माखिलु जहाँ कलु औषध खाइलु सेमती आम लक्ष्य प्रति पहुँचापी ठीक ठीक साधन आमको वेदमाता जोगे आम जीवन कमी श्रृंखलित हम जीवे आम सरद सतम शुणिया आम सरद सतम आम कि निरवसर धारण करूँ जो काम करूँ से पर उपकार करूँ श्रृंखलित भाव करूँ कह क्षति करूँ ना ये सबुड़ाक साधन श्रृंखलित गले यज्ञ टे करूँ कहार उपकार हावन सहजज्ञ प्रजा सृष्टुआ पूर्ववाच प्रजापति अन प्रसविष्व ये सब उत्तिष्ट काम
देवान भावतानेन ते देवा भावयन्तव परस्परं भावयन्त सय परं अवाप्स्यत। आमे यज्ञ रे द्रव्य त्याग करि आहुति देई देवता मन संतुष्ट करिवु। देवता माने आमको वृष्टि प्रदान करि अन्न प्रदान करिवे आम शरीर धारण करिवार पई, नहले आम शरीर केमिति सुस्थ हो, मन केमिति सुस्थ हो। तेणु यही परस्पर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, देवता मानको आम यज्ञ द्वारा संतुष्ट करिवु, देवता माने आमको वृष्टि प्रदान करिवे। जेमिति गाँव में जनक गाड़ी बाड़ी में धान होने पड़ हूँ बिरी हो सी धान देला बिरी देला ये भात खाइला से भात खाइला आपण मंदार फुल बहुत मो घर टगर फुल बहुत मो घर दुर्गा माधव अच्छा मुझे आउ टगर फुल दे मंदार फुल दे मोर दुर्गा माधव पूजा आप नुसलेस हो। तेणु से शास्त्र भ्रम निलय परिभ्रमती यही कथा शंकराचार्य कहते। तेणु आज आम जो उपनिषद तो बड़ा महान विषय एथे 119 टी मंत्र अच्छी दुईटी अध्याय प्रत्येक अध्याय तीनोटी लेखाए बल्ली प्रथम अध्याय तीनोटी बल्ली आउ द्वितीय अध्याय भी तीनोटी बल्ली मिसिकी 119 टी विषय अच्छी उपनिषद रे प्रथम अध्याय संक्षेप में कहीदे गुरु शिष्य संबंध यज्ञ अनुष्ठान रहस्य यज्ञ कला बेले आम मन में कि त्याग भावना हम त्यागे न एक अमृत मानसु यज्ञ दान तपश्चैव पावना मनीषीला दान दुर्ग तिथि दान रहस्य एवं जो पिता माता आम सृष्टि से पितृण मातृण सुझाप पिता माता संतोष कमी हम क्या जायमान ही मनुष्य त्रिभी गुणी गुणवान भवती जात होगा मात्र गोटे मनुष्य तीन टा ऋण से अटोमेटिक सृष्टि आए देवऋण पितृऋण एवं ऋषि ऋण आम यज्ञ अनुष्ठान करने द्वारा देवता ऋण सुझू वेदाध्ययन करने द्वारा मंत्र पाठ करने द्वारा ऋषि ऋण सुझू। तेनालीराम वेद वेदांत विभाग पिला कहना धन्य जो प्रतिदिन किसी वेद वेदांत अध्ययन करुच अंत ऋषि ऋण सुझी जा अन्य शास्त्र भी सही है सब शास्त्र ये डायरेक्ट से तेणु ऋषि ऋण सुझे बाट दिन फिटिगला पिता को संतुष्ट करने द्वारा पितृण सुझीगला पिता माता मृत्यु पर श्राद्ध करने द्वारा पितृण सुझीगला पिता आज्ञा पालन करने द्वारा पितृण भी सुझीगला जो आज्ञा पालन कर नचिकेता विषय आसो बापा रागिगले कहीदे मृत्यु बुद्ध विषय गले बापा पर मंद कले पूरी मंद कला कि बापा को पुह बुझेगा ना ना बापा तुम जहाँ सत्य करें पालन करी निश्चय किसी ना कि भल उदेश मत जम को पठे मु मृत्यु मो अमृत से मृत्यु देवता पाक जी अमृत हो मृत्यु पाक जी कि अमृत होसबि ये कौन कम कथा सुनंद विषय अमृत से पुत्रा मृत्यु भी बुझे नचिकेता को देख तुम आस विषय आसो जो मुझे समस्त वस्तु त्याग करपस्या कर।